सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वक्त मैं अभी बोईसर में हूँ फिलहाल तो, और हम बोईसर से सीधा जा रहे हैं पूना जा रहे हैं, ठीक है। हडपसर जाएंगे, वहाँ से सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाएंगे। तो गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी धरनों लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी फर्स्ट टाइम तो नहीं है, अब देखते हैं यहाँ का सफ़र कैसा होता है बोईसर टू पुणे तक का। तो पहले अभी यहाँ पर टंकी फुल कराई है, टंकी फुल होने के बाद अभी चलते हैं सामने। सामने अपना हाईवे है, ठीक है, अधिकारी पेट्रोल पंप के पास हूँ मैं फिलहाल तो, बोईसर वाले तो पहचानते रहेंगे, ठीक है। बोईसर यहाँ से सीधा जाना है अपने को, अब देखते हैं। टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेट हो गए हैं, इनको ही नहीं मिलते हैं रास्ते में, जो जो चीज़ें रहेंगी मैं रिकॉर्ड करते रहूँगा, मिलते हैं आगे। यहाँ पे हमारी गाड़ी पता नहीं क्यों बंद पड़ गई है बीच हाईवे में, बट क्या करें, अब जाते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है गैराज, बोल तो रहे चलते, देखते क्या प्रॉब्लम आया है, फिर बना के फिर आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। टोचन मिल गया है, कब तो जा रहे हैं ये भाई, टोचन दे रहे भाई, टोचन दे रहा, थैंक यू सो मच, सही लग रहा है। जहाँ तक पता था, लग रहा था किसका कैप ही निकला हुआ है, तो यहाँ पे एक कैप होता है जिसकी वजह से हम लोग उस रेस दे सकते हैं, लेकिन उसका कैप निकला था, इसकी वजह से बंद हो गई थी गाड़ी। बाकी और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई गाड़ी में, चलो चेंज करते फिर निकलते हैं। जर्नी फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हडपसर में, पी रहे थोड़ा अपना बादाम शेक ताकि थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो, देन उसके बाद यहाँ से चलेंगे आगे देखते। तो कुछ इस तरीके से हाल हो चुका है पुणे आने आने तक। कुछ इस तरीके से है व्यू पुणे का, यहाँ पे सनसेट हो रहा है, ये व्यू पुणे का। और वहाँ पे हमारे गन्नो खड़ी है, यहाँ पे सारे किड्स रखे हुए हैं, पूरी वाट तो लग गई है फेस की, डल हो चुका है फेस, मतलब कंटिन्यू मैंने गाड़ी चलाई है मुंबई से और यहाँ तक अभी तक पहुँचा हूँ। बहुत सारे वीडियोस शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं है, जल्द से जल्दी वो भी लेंगे और अच्छा व्लॉग शूट करेंगे। फिलहाल तो इस व्यू को देख के इन्जॉय कर रहा हूँ मैं, और जल्दी जाएंगे घर पर, ज़्यादा से ज़्यादा आधे से एक घंटा लगेगा मुझे यहाँ से पहुँचने के लिए रूम पर, तो रूम पर ही मिलते हैं, तकलीफ ये व्यू इंजॉय करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन, अपने लोकेशन पे। सो फाइनली पुणे पहुंच चुके हैं और बहुत हालत खराब हुई है यहाँ तक आने के लिए। सो हे गाइस, तो फाइनली पुणे पहुंच गए। सो थोड़ा बहुत मैं एडिट करूंगा वीडियो, अभी देखते कैसा एडिट होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखो अच्छे से जो बना कैसा बना, बन गया बस क्योंकि बहुत ट्रैवल करना था, मुंबई से बोईसर से पुणे आना था, तो काफ़ी टाइम लग रहा था उसके अंदर, तो मैं उतना शूट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास माउंट नहीं था, मेरे पास इसके वजह से बहुत सारे सीन्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए। बट आगे के जो भी व्लॉग्स रहेंगे उसको मैं और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, सब्सक्राइब।